मोगा में आढ़तियों ने भाजपा नेता श्रीनिवासुल का घेराव किया। उन्होंने गेहूं खरीद के मामले को लेकर श्रीनिवासुल को घेराव किया, साथ ही कहा कि उनकी ओर से गेहूं की एफसीआई खरीद का कमीशन जो केंद्र सरकार की ओर करीब 3.5 करोड़ रुपए बकाया रहता है, दूसरी ओर ईपीएफ जो उन पर लागू नहीं होता उसमें 30% की कटौती की गई है। वे पहले भी भाजपा के कई मंत्रियों को मिल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और कोई हल नहीं निकला। आदित्यों ने कहा कि अगर सरकार बकाया और कमीशन नहीं देती तो 11 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन मंडियां बंद कर दी जाएगी और धान की खरीद नहीं होगी। संगठन मंत्री श्रीनिवास जी का स्पेशल प्रवासी का मोगज ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है कि ये साढ़े मंत्री श्रीनिवास जी जो ऑर्गेनाइजेशन सैकटरी है पंजाब के, ऑर्गेनाइजेशन सैकटरी का मेन जो मोटिव होंगे है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अपने वर्कर्स डिवेलप करना, ऑर्गेनाइजेशन नू देखना ते अगे किवें बूथ शक्ति केंद्र किवें बन रहे नहीं बन रहे उहदे बारे चर्चा करना। मंत्री श्रीनिवास जी पोलिटिकल परसन नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन सैकटरी के रूप काम करते हैं, कोई पोलिटिकल उन्होंने मोटिव नहीं होंगे कि प्रवास करन दा। एनी हाउ आरती एसोसीएशन नू अज पता लग्या होगा भी बीजेपी का कोई सीनियर स्टेट अहुदेदार इत्थे मोगा आ रहा तां ਕਰਾਬ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਜੀ ਉਹ ਮੋਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ, ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਆ, ਮੇਨ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ दामी अडानी सैलो दी नहीं दिती गई, जिहड़ा कि सरासर साडे नाल धक्का सेंटर गवर्नमेंट का, एफसीआई ने साडी कमीशन रोक के ललकारा मारिया सानू और असी इसका जवाब जिहड़ा ये जरूर देवांगे उन्नी सीजन नू। और दूसरी साडी मंग, साडी जिहड़ी दामी है कमीशन आरतियां दी उह सेंटर गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल तो उहनू फ्रीज करता 46 रुपये क्विंटल कणक ते 45 रुपये 88 पैसे झोने ते, जिहड़े कि एम एस पी